और ये दीदी है, हाय जय जोहार जय छत्तीसगढ़। अभी तैयार हो रही है। और ये शैलेश भाई है, रोटी बना रही है। तो संगवारी को दादा ट्रेवल्स में अभी हम लोग बैठ गए हैं। ये आते भरे मोबाइल के बिना नहीं रह सके। और नितेश पीछे में बैठे, बिल्कुल खाली है बस। और ये है छोटी भाची शिबू। शिबू कैसे घुसा कैसे थे शिबू बता दो। यार तो गुस्सा कैसे होती बता रही है शिबू, कैसे होती है। जय जोहार जय सेवा जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आज हम लोग हैं कोंडा गांव में और आज हम लोग घर जाएंगे। तो घर जाने से पहले हम लोग दीदी के यहाँ थोड़ा से ब्लॉग बनाते हैं और यहाँ क्या क्या होता है, कैसे रहते हैं, सब चीज थोड़ा सा यादगार बनाने के लिए बना रहे हैं। दोस्तों तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। ये है छत से ऊपर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से कोंडा गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं घर जाने के लिए। तो अभी नाश्ता वास्ता खाना वाना नहीं खाए हैं, तो चलिए आप लोगों को नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। नीचे चलते हैं दोस्तों। छोटा सा किराया सा रूम है और यहाँ रहते हैं दीदी और जीजा और भांची। तो सब लोगों को आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। छत से मैं उतर रहा हूँ और ये बड़े भांची का साइकिल है छोटा सा, और यहाँ दो मंजिल है तो अभी उतर रहे हैं। ये है बेबो, कैसे रोती है देखो देखो। क्या हो गया? वीडियो बना रहा हूँ। नहीं नहाएगी इसको, नहीं जाएगी। शिबू कैसे रोती है शिबू? ये छोटी भांची है, ये बड़ी भांची है, रो रही है। ये बड़ी भांची है, क्या नाम है जी बता दो। काबर हुआ थे। और ये है छोटी भांची शिबू। शिबू कैसे घुसा कैसे थे शिबू बता दो। यार तो गुस्सा कैसे होती बता रही है शिबू, कैसे होती है। और चलिए आप लोगों को अंदर दिखाते हैं। ये बेड है और इस तरह से छोटा सा रूम है। और ये दीदी है, जय जोहार जय छत्तीसगढ़। अभी तैयार हो रही है। और ये शैलेश भाई है, रोटी बना रही है। पहली बार रोटी बना थे। बेबू पढ़ाई कर रही है ना। बेबू क्या पढ़ाई कर रही है? बेबू आज स्कूल जाओगी ना? एक गुस्सा हो गई क्या? कैसे बेबू क्यों रो रही थी? बालोद जाएगी नहीं? बालोद जाएगी नहीं? हम लोग तो जाएंगे, हमारे साथ जाना ना। कैसे बेबू? तो संगवारी हो, एक अभी मन नहीं करे थे गोठियाए के, ये रोवत रही से अभी। शिबू चल ना डांस करना, भैरा काका वाला डांस कर दे। चल तो डांस कर, तो चल डांस कर तो भैरा काका वाला। चल डांस करना। ऐ शिबू क्या सब्जी है? तो यहाँ शिबू खाना खा रही है। संगवारी को भी हमारा खाना खावा था और सब्जी बने हैं, रोटियां सब्जी आलू और दाल। और इस तरह से बैठ कर भी खावा था। उसके बाद घर निकल गए तैयार वगैरह होके, तो मैडम बने रहो पूरा जात जात वाला भी वीडियो बनाना है। दोस्तों ये है बेबो, और इधर आना, इधर दीदी के पास आ, दीदी के पास। ये है शिबू, हाँ क्या नाम है? चलो नाम बताओ बेबो, नाम बताओ, नाम बताओ।
आपका क्या नाम है? क्या नाम है, नाम बताओ। दृष्टि नाग। तो संगवारी यहाँ चला थे अभी तैयारी घर जाके, पूरा बोरिया बिस्तर अभी लेके जाता है ना, हाथ झोला वोला बेग बेग बड़ा कन है। ये है सीवी, और बाय कर दो, बाय कर दो। तो दीदी को बाय करेंगे, बाय कर दो, बाय। तो ड्यूटी जाते अभी स्कूल। स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं, और अभी जीजा जल्दी से बेबोला धर की स्कूल। बाय कर दे, बाय कर दे। सीबी को बाय कर रही है। तो हम लोग भी अभी जाएंगे घर। तो दीदी जीजा सब चले गए, अब हम लोग बचे हैं। शिबू भी बची है, इसको भी ले जाएंगे। बालो जाएगी ना, नानी के पास जाएगी। नानी के पास जाएंगे। मरीज शिबू बाय बाय बाय। तो दाद जा रहे हैं दोस्तों हम लोग अब घर। बाय बाय। अरे हो, अब हम निकल गए हैं घर के लिए, और बस में जाना है। बस में हम आ रहे हैं बालोद से यहाँ कोंडागांव। कोंडागांव से बाइक से गए हैं जीजा के जगदलपुर, जीजागढ़, पूरा बस्तर घूमें। और बाद 4 दिन बाद हम वापस जावा थन। यह है नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 30। कोंडागांव से होते हुए सीधा जगदलपुर जाते संगवारी हो। संगवारी हो सड़क के पर आ गए हैं, और अब हम गाड़ी के इंतजार कर रहे हैं बस के। देखते हैं कौन सा वाला बस मिलते। डायरेक्ट हम गुरूर तक जाना है, और बाद वहाँ से बालोद के लिए रवाना होना है। संगवारी हो, हम गुरूर पहुँच गए हैं, और 9:30 निकले हैं। तो अभी पहुँच गए हैं 12:30। तो कितना घंटा का रास्ता है आप हम बताओ कमेंट करके। एक बार हम पुरूर से सीधा बालोद के लिए झलमला। तो संगवारी हो, दादा ट्रेवल्स में अभी हम लोग बैठ गए हैं। ये आते भरे मोबाइल के बिना नहीं रह सके। और नितेश पीछे में बैठे, बिल्कुल खाली है बस।